हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाते हैं? विश्व प्रेस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग, सही आंसर होगा 3 मई को। क्या होगा? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं विश्व का। तो वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा रेसलिंग। क्या होगा? रेसलिंग से है संबंध। तो वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका हम लोग सही आंसर देखेंगे, सही आंसर होगा डायट। क्या होगा? डायट इसका सही आंसर होगा। तो यह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर देखेंगे हम लोग, देहरादून में होगा। क्या होगा? देहरादून में इसका मुख्यालय होगा। तो यह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? गन्ने का जो फसल होता है कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 12 महीना में गन्ना तैयार हो जाती है। क्या होगा सही आंसर इसका? 12 महीना। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय हिंदी कविता के पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे? मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान सभा की स्थापना किसने की? नौजवान सभा का स्थापना किसने की? तो भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ अल बरूनी होगा, लेकिन अल बरूनी गलती से लिखा गया है। क्वेश्चन है अल बरूनी ने किस राजे का वर्णन किया है? तो मोहम्मद गजनवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद गजनवी। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑन टू दिस लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों हो जाएगी मैक्सिको की खाड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 दिसंबर 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम झील दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी देवर झील। क्या हो जाएगी दोस्तों? देवर झील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति कब चलाई गई थी? जानते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति दूध के लिए चलाई गई थी। श्वेत क्रांति हो जाएगी चलाई गई थी इनके द्वारा 1970 में चलाया गया था, वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति भारत में 1970 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, मेवाड़ की संधि कब हुई थी? दोस्तों मेवाड़ की संधि हुई थी आपको 1615 ईस्वी। मेवाड़ की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1615 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या है दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1920। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1296। क्या दोस्तों? 1296 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ? विश्व के सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित हो जाएगा आपको चाइना में। क्या दोस्तों? चाइना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा गोमती नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया था? क्या दोस्तों? नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया था? तो नादिर शाह भारत पर हमला 1739 ईस्वी में किया था दोस्तों, 1739 में। युगांतर संस्था की स्थापना किसने की थी? युगांतर संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
युगांतर की इसका आंसर आप लोग खुद से बताइएगा दोस्तों, ये आप पे छोड़ते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।